का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ, कोरोना जांच कराया गया, उसमें उनको निकला। हम सीएमओ से बात किए भर्ती कराने के लिए, कई बार मुझे स्वतः उसके लिए प्रयास करना पड़ा और वहाँ कैसे गए, इतना सीरियस मरीज को बाहर ही रखा गया और वहाँ हम बाहर जाकर हॉस्पिटल में तो उसमें जा नहीं सकते, बाहर जाकर सीएमओ से फोन से बात किए, एक दो डॉक्टर आए, उसके बाद भी उनको वेंटिलेटर नहीं दिया गया और कहे ठीक है 92 है। सुबह तक 4 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया, मैं सुबह 8:30 बजे तक बात कर रहे हैं, उसके बाद भी बताया जा रहा है कि जिंदा है और जबकि उनका देहांत हो चुका था। हम वहां पर गए, उसके बाद वार्ता कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि हम सीज करा रहे हैं और उनके परिवार के लोगों को बुलाकर, जबकि ये नियम है कि वहाँ के स्वतः कीट पहर कर लोग करेंगे, और परिवार के 2 बच्चों से सीज कराया गया और उसके बाद बॉडी उनके परिवार से 4 जनों से उसमें रखवाया गया। मैंने जिलाधिकारी से वार्ता किया कि जो इसमें दोषी हैं सीएमओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराया जाए। मैंने वहाँ एडीएम थे, एडीएम से कहा कि इसको कार्रवाई करके हमको अवगत कराए, अभी तक एडीएम ने उस पर कहीं ना कहीं से वहाँ से होकर कार्रवाई नहीं किए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को लेटर लिखेंगे कि मिर्जापुर हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो चाहे डिलीवरी हो चाहे किसी का पैर टूटे, बिना पैसे का हॉस्पिटल में आज किसी भी तरह से इलाज नहीं हो रहा है। जब से सीएमओ आए हैं इस तरह से बोरक धंधा ये चालू है। तो वो लोगों के का कहना है कि वहाँ पे तभी एंट्री मिलती है जब कोई वहाँ का दलाल वहाँ पहुँच कर दलाली वहाँ पर्याप्त मात्रा में है। मैंने कई बार कहने के बाद भी सीएमओ इस पे ध्यान नहीं दिए, इसके मतलब वो भी इसमें मिले हुए हैं। क्या भाजपा सरकार को स्वास्थ्य विभाग बदनाम नहीं कर रहा है? उसीलिए मैं भाजपा के ही विधायक होकर ये गलत कर रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को सामने कर रहे हैं कि यह गलत अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, हमारे संज्ञान में है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को लेटर लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे। जी जी धन्यवाद। पीछे से कोई नहीं दिखता, इधर से आएगा वही दिखता। तो लगाइए।